हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हाई स्पीड रेल और सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी बुलेट ट्रेन और ट्रेन 18, ट्रेन 20 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, जिस पर एक मेजर अपडेट भी आया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इंडिया की पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो कि 2017 सितंबर में लॉन्च हुआ, यानी 3 साल के ऊपर हो गया इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। और दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ 508 किलोमीटर की है, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, 3 साल के ऊपर हो गया प्रोजेक्ट को, तो सवाल यह उठता है कि कितना काम हुआ है और क्या जो समय बताया गया था उस समय पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये भी एक सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें ऐसे भी आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में 5 साल की डिले हो गई है और अभी ये प्रोजेक्ट 2028 में आएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैंड एक्विजिशन की। जनवरी 2020 में 47% तक का लैंड एक्वायर किया था सरकार ने, और जुलाई 2020 तक सरकार ने 60% से ज़्यादा का लैंड एक्वायर कर लिया। और दोस्तों, 2021 दिसंबर से पहले ऐसा एस्टिमेशन है कि सरकार पूरी तरीके से लैंड एक्वायर कर लेगी, और वो होने के बाद प्रोजेक्ट में तेजी से काम किया जा सकता है। लेकिन सरकार टेंडर्स इनवाइट कर रही है और प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है। अक्टूबर 2020 में एक मेजर टेंडर अवार्ड किया गया L&T को। 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स ने बिडिंग की थी, उसमें से L&T को ये बिडिंग मिली है। दोस्तों, 508 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है, जिसमें से 237 किलोमीटर का डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वियाडक्ट का काम L&T को दिया गया है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इसका काम 2021 में चालू हो जाएगा। अहमदाबाद हाई स्पीड रेल स्टेशन और साबरमती हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने के लिए भी टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं। दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है वहीं पर हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने का भी काम चालू होगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये बात बता दो कि ना ही सरकार ने और ना ही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये पता चले कि प्रोजेक्ट में 5 साल की डिले होगी या प्रोजेक्ट 2028 में कंप्लीट होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रोजेक्ट में डिले होगी, तो आइए देखते हैं कितना डिले होगी। 2022 की जो डेडलाइन है वो मिस हो जाएगी, 2023 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है वो भी मिस हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनने में 4 से 5 साल का समय लगेगा लैंड एक्विजिशन के बाद, लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन ही नहीं हुआ है तो उसमें 1 साल और लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों 2026 में ही कंप्लीट होगा। दोस्तों, भले ही हमारे पास इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए हम जापान की जायका से लोन ले रहे हैं, भले ही हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कहाँ बात की जा रही थी 2022 अगस्त की और अब आ गई बात 2026 की, लेकिन सरकार दूसरे रूट्स पर भी बुलेट ट्रेन लाने की कोशिश कर रही है। 6 अलग रूट्स हैं जिसमें बुलेट ट्रेन जो है लाने की बात की जा रही है, उसके लिए टेंडर्स भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें से एक रूट है दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि जयपुर और उदयपुर से होता हुआ गुजरेगा, जिसकी लेंथ 886 किलोमीटर एस्टिमेट की गई है। इसके लिए DPR बनाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही और 5 रूट्स हैं जिसमें बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात की जा रही है। और जो DPR बनेगा उसमें सर्वे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर सोर्सेस वगैरह देखा जाएगा। और दोस्तों, जो भी इसके रिलेटेड अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी और इसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाता है। अभी तक 2 ऐसे ट्रेन हैं इंडियन रेलवे के पास और दोस्तों 44 और ट्रेन बनाने की कोशिश जारी है। और जुलाई 2020 में टेंडर निकाला गया था जिसमें जॉइंट वेंचर कंपनी चाइनीज थी, इसी कारण दोस्तों ये टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया चाइना का इशू चल रहा है और मेक इन इंडिया पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है, तो इसी कारण ये टेंडर कैंसिल किया गया है और दोबारा टेंडर बहुत जल्द आ सकते हैं। तो दोस्तों 2020 के अंत तक हम देख सकते हैं कि ट्रेन 18 के लिए दोबारा टेंडर्स निकाले जाएंगे और टेंडर निकलने के बाद 2 साल का और समय लगेगा दूसरे ट्रेन 18 हमारे पास आने में। और दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ट्रेन 18 के बारे में और ट्रेन 20 के बारे में, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। खैर, अब बात करते हैं ट्रेन 20 की, जो कि ट्रेन 18 का एक अपग्रेडेड वर्जन
होने वाला है। दोस्तों ट्रेन 18 की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर एस्टिमेट की गई थी और ट्रेन 20 जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अभी ना ही सरकार कोई इंटरेस्ट ले रही है ना ही इंडियन रेलवे इसमें इंटरेस्ट है इसको बनाने में, तो ये पूरी तरीके से अभी बेंच पर है, इस पर कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। अभी सरकार का और इंडियन रेलवे का पूरा फोकस है ट्रेन 18 को बनाने में। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थे बुलेट ट्रेन्स के या वंदे भारत एक्सप्रेस के। अगर आप इन पे और जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाए हैं, और कोई अपडेट्स आता है इसके बारे में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। या आप किसी और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।